छत्तीसगढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए भक्त शिरोमणि मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव वर्ष में मीरा स्मृति संस्थान के विकास से संबंधी विषय को सदन में रखा। सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय की तरफ ध्यानाकृष्ट करते हुए बताया कि मोदी सरकार में इस मंत्रालय में विगत वर्षों में स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, हृदय योजना आदि के माध्यम से देश के वीरता एवं शौर्य के साथ साथ भक्ति एवं आध्यात्म से जुड़े स्थलों का विकास करवाया है। अभी भारत सरकार भक्त शिरोमणि मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव को धूमधाम से पूरे देश में मना रही है। मीराबाई, जिनका संबंध चार प्रमुख स्थानों से रहा है, मेड़ता जहां पर उनका जन्म हुआ, चित्तौड़गढ़ जहां पर उनका विवाह हुआ, वृंदावन जहां पर भक्ति की, एवं द्वारिका जहां पर वह भगवान में समा गई थी। सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया, आने वाले समय में मीराबाई जिनकी जीवनी कार्यों एवं भक्ति पर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में काफी अध्ययन एवं खोज हो रही है। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई पर विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है। मीरा स्मृति संस्थान से इस पर अध्ययन एवं खोज लगातार होती रहती है तथा विगत कई वर्षों से इस पर कार्यक्रम करवाता रहा है। सांसद जोशी ने केंद्र सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से इस 525वें जन्मोत्सव के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में स्थित मीरा स्मृति संस्थान, जहां पर उस संस्थान के पास आवश्यक जमीन भी उपलब्ध है, इस स्थान को इस मंत्रालय की योजना में शामिल करके उसको विकसित किया जाने का आग्रह किया, जिससे देश दुनिया में आने वाले भक्त एवं शुद्धार्थी मीरा दर्शन का लाभ उठा सके। माननीय सदस्य श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के टूरिज्म कल्चर मंत्रालय एक मिनिस्ट्री में पूर्व में भी देशभर में स्वदेश दर्शन और हृदय योजना के माध्यम से इस देश के महत्व के ऐसे प्रमुख स्थान हैं जो वीरता और शौर्यता से जाने जाते हैं, धार्मिक स्थल है, उन स्थानों को डेवलप करने का काम हुआ। अभी भारत सरकार मीराबाई भक्तिपति मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव को पूरे देश भर में धूमधाम से मना रही है। मीराबाई जो जिनका रिश्ता चार स्थान जो प्रमुख है जहाँ उनका जुड़ाव रहा है, मेड़ता जहाँ उनका जन्म हुआ, चित्तौड़ जहाँ उनका विवाह हुआ, वृंदावन और द्वारका जहाँ वो भगवान श्री कृष्ण में समा गई थी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आने वाले समय में चूँकि मीराबाई पर देश नहीं दुनिया में रिसर्च और अध्ययन चल रहा है और चित्तौड़ एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है और मीरा स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ में वर्षों से इस पे कार्यक्रम कराता है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में चूंकि मीरा स्मृति संस्थान के पास वहाँ जमीन भी है और उस स्थान को इस योजना में लेकर डेवलप किया जाए ताकि देश दुनिया के लोग उस स्थान पर आकर उस मीरा दर्शन को अनुभूति कर सके, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही मांग। धन्यवाद।